हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर मुगल एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन, सोशल साइंस बुक सेमेस्टर 2 ग्रेड 7 से। इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August। 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। प्रतीक सॉ द नेशनल फ्लैग बीइंग अनफर्ल्ड एट द रेड फोर्ट ऑन हिज टीवी एट होम। जिस समय लाल किले पर जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो लहराया जाता है 15 अगस्त के दिन, तो वो जो प्रोग्राम था प्रतीक ने अपने घर पे बैठ के टीवी पे देखा। He even saw different pictures of the Red Fort। अब उसे अलग अलग पिक्चर्स भी देखने को मिली रेड फोर्ट की। The next day, प्रतीक asked his class teacher all about the Red Fort। तो अगले दिन जो है प्रतीक ने अपनी जो क्लास टीचर थी उनसे पूछा रेड फोर्ट के बारे में। His teacher downloaded pictures of the Red Fort as well as the pictures of other architectural monuments from the internet and showed them to the students। अब जो उनकी टीचर थी उन्होंने क्या किया, रेड फोर्ट की जो भी पिक्चर्स थी उनको डाउनलोड किया, या और भी जो आर्किटेक्चुरल मॉन्यूमेंट्स थे इंटरनेट से उनकी पिक्चर्स डाउनलोड करी और फिर स्टूडेंट्स को दिखाई। व्हाइल शोइंग देम द पिक्चर्स द टीचर टोल्ड देम दैट दोस मॉन्यूमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। जब वो जो है इन पिक्चर्स को दिखा रही थी तब उन्होंने बताया कि ये सब जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये मुगल पीरियड के दौरान बनाए गए थे। शी डिसाइडेड टू टेल देम ऑल अबाउट द मुगल रूल। अब मुगल्स का जो शासन था उसके बारे में उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चों को सारा बताएंगे। दिल्ली वाज अंडर इब्राहिम लोदी रूल ड्यूरिंग दैट टाइम एंड बाबर रूल इन काबुल अफगानिस्तान। ये उस समय की बात है जब दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का जो है शासन था और बाबर जो है वो काबुल यानी जो अफगानिस्तान है वहां पर शासन कर रहे थे। बाबर वॉज द रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। बाबर जो है मेन मुगल डायनेस्टी के जो है राजा थे। He attacked Delhi in 1526 CE. अब उन्होंने दिल्ली पर जो हमला किया वो 1526 CE में किया। Ibrahim Lodi was defeated by Babur's well-equipped army in Battle of Panipat. Ibrahim Lodi और बाबर के बीच में जो Battle of Panipat हुआ उसमें बाबर ने जो है उनको हरा दिया, क्योंकि बाबर की जो सेना थी वो काफी ज्यादा एडवांस थी क्योंकि उनके पास जो है तोपें भी थी। This brought an end to the Sultanate age and establishment of the Mughal rule। तो एक तरह से सल्तनत युग जो था वो खत्म हुआ और मुगल रूल जो है उसकी स्थापना हुई। In the beginning, Mughals ruled near Delhi। शुरुआत में मुगल्स ने कहाँ शासन किया, दिल्ली के पास। बाबर won many battles and his descendants gradually extended the empire। अब बाबर ने बहुत सारे युद्ध जीते और उनके जो वंशज थे उन्होंने धीरे धीरे जो है अपनी ये जो empire थी इसको बढ़ा लिया। Let us learn about the incidents that occur during the Mughal age and know more about the administration and social life of that time. अब हम जानते हैं कौन-कौन सी ऐसी घटनाएं हुई मुगल शासन के दौरान और साथ ही साथ किस तरह का उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह की सोशल लाइफ थी उस समय की, तो वो सब जो है हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो मेन इवेंट्स हुए मुगल डायनेस्टी के उनके बारे में। तो पहले है बाबर। बाबर कब से कब तक थे, 1526 से 1530 तक। अब इनका क्या था जो इनकी घटनाएं मुख्य घटी। इन 1527 CE he fought a battle with the brave Rana Sanga at Kanwa in which Babur defeated him as his army was equipped with cannons। 1527 CE में बाबर की लड़ाई जो है बहादुर राणा संगा जो कि कानवा के थे उनसे हुई, जिसमें बाबर ने उनको हरा दिया क्योंकि अगेन बाबर की सेना जो है उसके पास तोपें थी। इन 1530 बाबर फेल इल एंड डाइड। लेकिन 1530 में क्या हुआ, बाबर बीमार पड़े और उनकी डेथ हो गई। ही फॉट मेनी बैटल्स टू ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड गेन कंट्रोल ओवर द एरियाज नियर दिल्ली एंड आगरा। जो भी उनका शासन काल रहा उसमें उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और जिससे एक बहुत मजबूत नींव रखी मुगल शासन की। साथ ही साथ उन्होंने जो दिल्ली और आगरा के पास के इलाके थे उन सब पे भी अपना कब्जा कर लिया था। ही अमर्ज विक्ट्रियस इन मोस्ट ऑफ द बैटल्स। जितने भी युद्ध लड़े ज्यादातर उसमें बाबर ने जीत ही हासिल करी। बाबर के बाद आए हुमायूं। हुमायूं रहे 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक। हुमायूं असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर बाबर, यानी बाबर के बाद जो दिल्ली की राजगद्दी थी वो संभाली हुमायूं ने। अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल द किंगडम वॉज डिवाइडेड एंड ईच ऑफ हिज ब्रदर्स इनहेरिटेड वन प्रोविंस, ही रिटेन दिल्ली। तो जो उनकी फादर की वसीयत थी उसके अनुसार जो पूरा उनका साम्राज्य था उसको जो है डिवाइड कर दिया गया था और हर भाई के हिस्से में एक
टेरिटरी या प्रोविंस क्षेत्र जिसे कहते हैं वो आया था। उनको जो है हुमायूं को दिल्ली मिली। हुमायूं हैड टू स्ट्रगल अ लॉट अगेंस्ट हिज ब्रदर्स कामरान एंड द अफगान्स। अब हुमायूं को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा अपने जो भाई कामरान थे और जो अफगान्स थे उनके खिलाफ। हुमायूं वाज डिफीटेड ट्वाइस बाय शेरशाह एंड ही हैड टू एस्केप फॉर 15 इयर्स इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। अब हुमायूं जो है वो शेरशाह से दो बार हार गए और रिजल्ट क्या हुआ कि उनको 15 साल के लिए अपनी जान बचा के भागना पड़ा, यानी कि वो छिप गए ताकि वो अपनी जान बचा सके। ड्यूरिंग दैट टाइम अकबर वॉज बॉर्न इन द पैलेस ऑफ द किंग ऑफ अमरकोट। और इसी के टाइम के दौरान अकबर का जन्म हुआ था जो अमरकोट के राजा थे उनके महल में। हुमायूं रीगेन दिल्ली फ्रॉम द सक्सेसर्स ऑफ शेरशाह। फिर हुमायूं ने जो है दिल्ली को हासिल किया जो शेरशाह के उत्तराधिकारी आए थे उनसे। शेरशाह जो है तीसरे थे जो 1540 से 1545 तक रहे। शेरशाह सूरी वॉज एन अफगान लीडर हु हैड प्रोग्रेस्ड ऑन हिज ओन। अब शेरशाह सूरी कौन थे, ये एक अफगानी लीडर थे और इन्होंने अपनी प्रोग्रेस खुद करी थी। ही डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस एंड देयरफॉर एस्टैब्लिश्ड द सूर डायनेस्टी इन दिल्ली। अब क्योंकि इन्होंने हुमायूं को दो बार हरा दिया था इसी वजह से इन्होंने दिल्ली में जो सूर डायनेस्टी थी उसकी स्थापना करी। आफ्टर गेनिंग कंट्रोल ओवर दिल्ली ही वन मेनी अदर इम्पोर्टेंट बैटल्स। अब दिल्ली पे तो एक तरह से इन्होंने कब्जा कर ही लिया था, फिर इन्होंने और भी लड़ाइयां लड़ी, ज्यादातर इन्होंने उसमें जीत हासिल करी। ही देन एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम काबुल टू बंगाल एंड मालवा। इन्होंने अपना जो साम्राज्य था फिर उसको और बढ़ाया काबुल से बंगाल तक और फिर मालवा तक। ही इज नोन एज अ रिफॉर्मर इन हिस्ट्री। इनको एक तरह से माना जाता है कि ये जो है रिफॉर्मर थे, यानी इन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए। आफ्टर शेरशाह द मुगल डायनेस्टी वॉज री एस्टैब्लिश इन दिल्ली। पर शेरशाह के बाद दोबारा से फिर से मुगल डायनेस्टी का शासन हो गया था दिल्ली के अंदर। अब इसके बाद आए अकबर। अकबर जो रहे वो 1556 से लेके 1605 तक रहे। अकबर वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज फादर हुमायूं पास्ड अवे। अब अकबर की उम्र उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी जब हुमायूं की डेथ हो गई। अकबर वॉज वेरी यंग एंड सो बैरम खान अ फेथफुल मिनिस्टर ऑफ हुमायूं ब्रॉट हिम अप एज अ गार्जियन एंड टुक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकबर्स बिहाफ। क्योंकि अकबर की उम्र उस टाइम पे बहुत कम थी तो हुमायूं के एक बहुत ही वफादार मंत्री थे बैरम खान, उन्होंने जो है एक तरह से गार्जियन का रोल प्ले किया और अकबर की पूरी तरह से देखभाल करी। साथ ही साथ अकबर के बिहाफ में उन्होंने सारा जो राजकाज था कामकाज था उसको संभाला। हेमू द लीडर ऑफ सिकंदर सूर एस्टैब्लिश्ड हिज रूल ओवर दिल्ली व्हेन अकबर वाज इन पंजाब। हेमू जो सिकंदर सूर के लीडर थे उन्होंने क्या किया, दिल्ली पे अपना फिर से हक जमा लिया जब अकबर उस समय पंजाब में थे। विद द गाइडेंस ऑफ बैरम खान अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन बैरम खान की मदद से उनकी गाइडेंस से अकबर ने हेमू को हरा दिया बैटल ऑफ पानीपत में। सिंस बैरम खान बिकेम मोर इंडिपेंडेंट अकबर सीज अवे ऑल हिज पावर्स एंड सेंट हिम फॉर हज। अब बैरम खान जो है क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थे, हर चीज वो खुद कर रहे थे, तो अकबर ने क्या किया उनकी सारी जो पावर्स थी एक तरह से उनसे ले ली और उनको जो है हज भेज दिया। ही वॉज किल्ड ऑन द वे टू हज। जब वो हज जा रहे थे तो रास्ते में फिर उन्हें मार दिया गया। अकबर एनेक्स चित्तौड़ एंड रणथंबोर इन द बैटल अगेंस्ट राणा प्रताप। अब जो राणा प्रताप के खिलाफ उनका युद्ध हुआ उसमें उन्होंने चित्तौड़ और रणथंबोर पे कब्जा कर लिया। फ्रीक्वेंट बैटल्स वर फॉट बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में बहुत जल्दी जल्दी युद्ध होते थे। अकबर्स एम्पायर एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1585 टू 1605 CE। मेनली जो इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ वो जो एक्सटेंशन होता है वो जो है 1585 से 1605 CE का पीरियड जो था उसके दौरान हुआ। ही एनेक्स्ड कंधार कश्मीर एंड काबुल एंड एस्टैब्लिश्ड हिज रूल ओवर कांधेश अहमदनगर इन द साउथ। अब इन्होंने कंधार कश्मीर काबुल इन सब पे तो कब्जा कर ही लिया था, साथ ही साथ इन्होंने अपना जो एक शासन है वो खानदेश अहमदनगर जो साउथ में थे उस पे भी कर लिया था। देयर वॉज लॉट ऑफ डिसऑर्डर ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ अकबर्स रूल एज प्रिंस सलीम रिवोल्टेड। काफी ज्यादा जैसे कहते हैं कानून व्यवस्था इनके यहाँ बिगड़ गई थी जब अकबर का वो दिन थे जब अकबर की एक तरह से लास्ट टाइम रह गया था शासन का, क्योंकि जो उनके लड़के थे सलीम उन्होंने बगावत कर दी थी। लेटर ऑन सलीम अडॉप्टेड द नेम जहांगीर एंड असेंडेड द थ्रोन। बाद में सलीम ने ही जो है उनका नाम दिया गया उनको जहांगीर और उन्होंने जो है राजगद्दी संभाली थी।
वी हैव ऑलरेडी गैदर्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट रूलर्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी लाइक बाबर, हुमायूं, अकबर एंड शेर शाह सूरी ऑफ द सूर डायनेस्टी। तो अभी तक हमें काफी ज्यादा जानकारी मिल सकी है अलग अलग जो रूलर्स रहे मुगल डायनेस्टी के, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर और शेर शाह सूरी शामिल थे सूर डायनेस्टी के। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट अस नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब जो भी जानकारी हासिल हुई है उसके बेसिस पे जानते हैं कि इन लोगों का कामकाज कैसा था, समाज उस समय कैसा था, कला और जो आर्किटेक्चर होता है इसके प्रति इनका कैसा लगाव था। रिलेशंस ऑफ मुगल्स विद अदर रूलर्स। अब जो मुगल्स थे उनके बाकी रूलर्स के साथ रिलेशंस कैसे थे। व्हेन हुमायूं हैड एस्केप्ड इवन द हिंदू रूलर्स गेव हिम शेल्टर। जब हुमायूं अपनी जान बचा के भागे थे उस समय हिंदू रूलर्स ने भी उनको एक तरह से सहारा दिया था। Therefore, their culture was reflected in the upbringing of Akbar. इसी वजह से जो उनकी संस्कृति में आपको झलक मिलती है थोड़ी सी हिंदू उसकी, वो इसी वजह से है क्योंकि अकबर जो है उस टाइम पे एक तरह से हिंदू और मुस्लिम मिक्स उसमें चल रहे थे। He took the help of Hindu rulers when he ascended the throne. इन्होंने हिंदू रूलर्स की मदद ली जब इन्होंने राजगद्दी को दोबारा हासिल किया। He knew that he would not be able to rule in India if he ignored the Rajput rulers. और वो ये भी अच्छे से जानते थे कि अगर उन्हें इंडिया में रूल करना है तो वो राजपूत रूलर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। Therefore, he maintained good relations with the Rajput rulers and won their confidence. इसीलिए इन्होंने क्या किया, अच्छे संबंध बना के रखे राजपूत रूलर्स के साथ और उनका जो विश्वास है उसे भी हासिल किया। The rulers who did not accept his authority had to face him. और जो रूलर्स उनकी अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं थे उनको जो है फिर उनसे युद्ध करना पड़ता था। द रूलर्स ऑफ सिसोदिया राजपूत डिड नॉट एक्सेप्ट हिज रूल एंड हैड मेनी कन्फ्रंटेशंस विद हिम। आज जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने कभी भी उनके शासन को नहीं माना और इसी वजह से बहुत बार उनके साथ युद्ध करना पड़ा। ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस। द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड इट वुड बी यूजली द ओल्डेस्ट सन। राजा जो है उसकी मेन जिम्मेदारी होती थी कि उनके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यानी उस राज्य को कौन संभालेगा, कौन राजगद्दी पे बैठेगा। और ज्यादातर होता था सबसे बड़ा लड़का जो है वही राजा बनता था। ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑल द सन्स वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द एम्पायर। जिस समय मुगल शासन था उसमें क्या था कि सब जितने भी लड़के होंगे सबको बराबरी बराबरी का हिस्सा मिलेगा पूरे उनके एम्पायर का। दिस काइंड ऑफ हायरार्की वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग हुमायूंस रेन। जिस समय हुमायूं का शासन था इसी तरह की हायरार्की को जो है ऑर्डर को फॉलो किया गया। आफ्टर दैट रूलर्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट ईच अदर फॉर द थ्रोन। उसके बाद क्या हुआ, जो राजा लोग थे उन्होंने एक दूसरे के प्रति कंस्पायरिंग शुरू कर दी, यानी कि एक तरह से षड्यंत्र जो होते हैं वो रचने शुरू कर दिए ताकि राजगद्दी मिल जाए। ब्रदर्स वुड क्वारल विद वन अनदर फॉर द थ्रोन एंड हूएवर वन असेंडेड द थ्रोन ऑफ डेल्ही। सारे भाई जो हैं वो एक दूसरे से लड़ते थे राजगद्दी के लिए और जो भी जीता समझ लो जो दिल्ली का राजगद्दी थी वो उनकी हो गई।